वेलकम फ्रेंड्स, मेरे साथ आज सुमित कुमार जी है। सुमित 400 मीटर का स्प्रिंटर था, कौन से साल में? सर, ये 2003 की बात है। ओके, और 2003 में ये 400 मीटर दौड़ते थे, दिल्ली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ये अपनी स्पोर्ट्स आगे नहीं खेल पाए। कुछ इनकी बैक में दिक्कत हुई, कुछ उनके पोस्चर में, कुछ उनके पेट में। आप अपनी स्टोरी बताएं और आज क्या दिक्कत है वो हमारे बाकी दर्शकों को बताएं। मेरे को बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी कम से कम 10-15 साल से प्रॉब्लम थी, और मैंने डॉक्टर साहब का यूट्यूब पे चैनल देखा कि ऐसे ऐसे है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर आके मैंने आज पहला दिन है मैंने ट्रीटमेंट लिया, मेरे को काफ़ी रिलीफ आज पहले दिन से ही, वो बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे आके। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, ऐसे कि जैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। तो मैं सभी दर्शकों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार पहले डॉक्टर साहब के पास आके कम से कम अपना एक बार आगे यहाँ पे चेकअप करा के हमें ट्रीटमेंट लेने। आप अपनी दिक्कत के बारे में बता दीजिए कि दिक्कत मेरी बॉडी में इस साइड पहले तो बहुत ज़्यादा मेरे से उठाई नहीं जा रहा था, फिर मेरी कमर में और दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे मैं निकल नहीं पा रहा था। तो आप इतनी दिक्कत हो गई खेलना ही बंद करना? खेलना ही बंद करना, मैंने अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया। तो कुछ इलाज कराया? कुछ इलाज मैंने सर फिजियोथेरेपी ली थी, लेकिन उससे पूरा ठीक नहीं हो पाया था मैं। तो आपको खेलने के लिए किसने मना किया? कि खेलने सर बॉडी में इतनी वो ही नहीं रही कि लिए मैं खेलने के लिए और आगे कुछ खेल सकूं सर। अच्छा, मैं इसलिए मैंने छोड़ना पड़ा। मेरी घुटनों में भी और कंधों में भी सर, पूरी पीठ में बहुत पेन रहने लग गया था। अच्छा, क्योंकि हम ये रोज देखते हैं खिलाड़ियों के साथ अक्सर होता है, और वो थेरेपी कराते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि एक थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट टीम के साथ हमेशा रहता है, जिसको जो भी दिक्कत होती है वो ठीक कर देता है, या जितना भी है खिलाड़ी का गेम तो नहीं रुकता। तो ऐसा कभी किसी ने नहीं बताया कि ऐसा क्या हो गया कि आपको खेलना ही बंद करना पड़ा? सर मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया था, कोई अभी आज भी गया था, बोला कि भाई आपको तो कुछ जोड़ों की प्रॉब्लम है और इससे आप ठीक नहीं हो पाओगे, काफी प्रॉब्लम है आपकी, आपको गठिया है। कोई किसी प्रकार की बात करता था, कोई किसी प्रकार की बातें कहता था सर। अच्छा, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं काफी जगह से मिल पाया। सर चलिए आपको मैं जल्दी से इनका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। आज इनका फर्स्ट डे है, इससे पहले हमने इनकी थोड़ा सा रिलीज किया है, कपिंग किया है, नीडलिंग किया है। अब मैं एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये देखने में तो बड़े फिट हैं, हेल्दी हैं। आगे आ जाओ सुमित, थोड़ा आगे। मसल्स भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं लग रही है। हाँ, इनके ऊपर इजी बिल्ड आउट करिए। ओके, इजी टर्न कर लो मेरी तरफ, करवट ले लो, लेते रहो, करवट ले लो। रखो सीधा लेट जाओ। कमर की काफी टाइट थी, गर्दन में ज्यादा टाइटनेस? हाँ सर, गर्दन में नहीं है, थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा नहीं, इस तरह है सर। हाँ, थोड़ी सी इस तरफ थी। एडजस्टमेंट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल सर। ये तो काफी जिसको भी कमर से या किसी भी बॉडी में किसी भी उससे प्रॉब्लम है, उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, एक बार डॉक्टर साहब के पास आके आप यहाँ पे दिखाएं, आपको अच्छा रिलीफ हुआ, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट्स करें, और जो भी आपको लगता है कि हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं प्लीज़ हम तक
आप पहुंचे। थैंक यू।